वो अमीर से क्या मुराद है, वतनियत से क्या मुराद है। वतनियत से यह मुराद है सबसे पहले पाकिस्तान। तो समझ में आई बात। और कौमियत से यह मुराद है कि हम पाकिस्तानी एक कौम है, जैसे कि जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि नहनु अल अरब, हम अरब हैं और अरबी हमारी कौम है। और जैसे कि बाद जाहिल उलमा ने नजद और सऊदी अरब के जाहिल लोगों ने यह कहा कि अरबों को अल्लाह ने अजमियों में फजीलत दी है। भाग बड़े लंबे चौड़े जुब्बा कुब्बा वाले जाहिल मुल्लाओं ने अरबों में से यह कहा है, और अल्लाह का करम है कि मैंने वहां पर भी उनकी गिरफ्त की थी कि तुम जाहिल हो। जब आखिर नामदार से फरमाया अय्युहन्नास, तो देखिए खुतबा पढ़ने लगा हुजूर के अल्फाज हैं अय्युहन्नास इन्ना इलाहकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद कुलुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अज़मी व ला लिअज़मी अला अरबी व ला लिअस्वद अला अहमर ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم। اے لوگو تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تم سب کا والد گرامی ایک آدم ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे कोई बर्तरी और फजीलत नहीं। हाँ, किसी को अगर किसी पे कोई फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे है। तुम्हें सबसे ज्यादा मुअज्जज वो है जो सबसे ज्यादा मुतकी है। अब जब इतने अल्फाज वाजे हों तो किसी एक कौम को फजीलत दे देना कि हम अरब हैं, अजी जाने करा। मेरे बचपन की शरारतों में से एक शरारत मैं आपको सुना देता हूं कि कौमियत क्या होती है। उस जमाने में अरबी कौमियत का सूर फूंकने वाले सबसे ज्यादा जमाल अब्दुल नासिर थे। तो मिस्र का एक सफीर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकरीर करने के लिए आया। हमने उनकी तकरीर सुनी, 1958 की बात है, मैं उस वक्त थर्ड ईयर में पढ़ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मैंने जब तकरीर सुनी तो उसने तो अरबी 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 कौम अरब कौम अरब नेशनलिस्ट, उसने पौन घंटा ऐसी अरबियत की बात की, नहनु अरब नहनु अरब हम अरब हैं, अरबों की बड़ी फजीलत है ये। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कि आप जरा ये बताइए पहले आप अरब हैं या मुसलमान हैं। तो उस बेवकूफ ने यह कहा कि हम पहले अरब हैं और बाद में मुसलमान हैं। तो अल्लाह ने उसे मौका दे। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप नाराज ना हो, आपकी बेटी है और उसके दो रिश्ते आते हैं और दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। एक तो पाकिस्तानी है जो कि अरब नहीं है, एक अरब है जो यहूदी है। आप बेटी के हाथ किसे देंगे? अरब यहूदी को देंगे या नॉन अरब पाकिस्तानी मुसलमान को देंगे? तो कहते यू हैव इंसल्टेड मी। मैंने कहा नो, यू हैव इंसल्टेड योरसेल्फ। मैंने कहा ये सवाल मुझसे करो, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। मेरे खानदान का एक ईसाई हो और एक नाइजीरिया का काला मुसलमान हो, कब्शी, मैं अपनी बेटी को सब्शी को दूंगा जो मुसलमान है। अपने चचा के बेटे का अगर वो ईसाई है तो उसको नहीं दूंगा। हमारा
ایمان اس میں صاف ہے، اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں۔ امید ہے آپ کو قومیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔